Okay, so good afternoon, everyone. This is Aluzma, and I welcome you all to Achievers ICS. Guys, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस डील करती हूँ, पर पिछले कुछ क्लासेस से अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं ले नहीं पा रही थी. बट नाउ आई एम बैक, आई एम फाइन, आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से. एंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये हमारा लोगो है अचीवर्स ICS का, जैसे कि आप देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स विद अलुज़मा. ओके, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स में हमने निकाला है वो एक आर्टिकल है विच इज रिलेटेड टू राखी गढ़ी. अब राखी गढ़ी से रिलेटेड है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनियन बजट 2021 में ये कहा गया है कि राखी गढ़ी को 5 आइकॉनिक प्लेसेस में से एक आइकॉनिक प्लेस के रूप में बनाया जाएगा. और अगर सरकार का ध्यान है इसके तरफ तो हमारा ध्यान बिल्कुल होना चाहिए इस टॉपिक की तरफ. तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इसके ऊपर फोकस करते हैं कि ऐसा क्या इन्होंने एक्सकवेट किया है. तो आप ये देख सकते हैं कि ASI ने पिछले 32 सालों से हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट हिसार उसमें राखी गढ़ी में उन्होंने एक्सकवेट किया है 5000 साल पुराने ज्वेलरी फैक्ट्री को. अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसको हम क्यों खोजें, क्यों देखें, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये रिलेटेड है तो इसको पढ़ना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. तो आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसा है कि अंग्रेज़ आए थे हमें सभ्य बनाने के लिए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी सभ्यता 2500 से लेके 1750 BC में कई ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी. जिस टाइम में आप सभ्यता का मतलब भी नहीं जानते थे उस वक्त हम सभ्य थे और हमें सभ्य बनाने की ज़रूरत थी नहीं उन्हें. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का जो हमें प्राउड बनाता है अपने इतिहास को लेकर. और हम क्यों भी ना पढ़े इसके बारे में, हम जानने का पूरा अधिकार है क्योंकि ये हमारा ही तो पास्ट है, ह्यूमंस का ही तो पास्ट है. और जब हम अपने पास्ट को जान लेते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं चीज़ों को, तो हम अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर लेते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है. तो देखिए, ASI ने डिस्कवर कर लिया है राखी गढ़ी में 5000 साल पुराने गोल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री को. आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में मैंने मेंशन कर दिया है, हरियाणा के सिंधु घाटी स्थल में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री राखी गढ़ी. ASI ने हरियाणा की राखी गढ़ी में अपने एक 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की, और ये खोज अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है इनके लिए. ओके गाइज, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना एक ब्रीफ इनसाइट जान लेते हैं इसके बारे में. जैसे कि आपको पता है इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा है, क्योंकि ये इंडस वैली के अलोंग विद द रिवर इंडस ये उसके साइट में इमर्ज करी, एग्जिस्ट करती थी. और आपको पता है कि वहाँ नदी है, वाटर है, वाटर एक सोर्स है लाइफ का, पानी है तो लाइफ होगा ही होगा, लाइफ तो होना अनिवार्य है, पानी तो हमको लाइफ दे रहा है, लाइफ का एग्जिस्टेंस दे रहा है. तो ये बहुत अच्छा एक सिविलाइजेशन था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, विच वॉज अलॉन्ग विद द रिवर साइड रिवर इंडस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा गया, जिसे कांस्य युग कहते हैं. पहली बार हमने अलॉय बनाया जो ब्रॉन्ज का अलॉय था. और कोई भी चीज़ को हम ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये ब्रॉन्ज एज है, स्टोन एज है, तो गाइज इसका एक बहुत अच्छा ये है कि जब हम एक्सकवेट करते हैं कोई भी चीज़ों को तो हम वहाँ के टूल्स वेपन्स वो देखते हैं कि किस चीज़ के बने हुए हैं. जैसे कि पहले स्टोन एज था तो स्टोन के वेपन्स यूज़ किए जाते थे, स्टोन के टूल्स यूज़ किए जाते थे. फिर चालकोलिथिक आई, फिर इसके बाद ब्रॉन्ज एज आई, और इसके बाद आयरन एज आई जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल थी. ओके, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन ओइंग टू द फैक्ट दैट दिस सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921. इसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और इसे हरप्पन सिविलाइजेशन कहने का मकसद ये है कि ये पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हरप्पा करके एक साइट डिस्कवर की गई, क्योंकि ये सबसे पहली थी. मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर है, आपके घर में कुछ लोग रहते हैं और समझिए जो सबसे बड़ा है उसके नाम से सब कोई पहचानते हैं उस घर को, है ना. अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल ABCD करके बहुत सारे लोग हैं और ए जो है सबसे बड़ा बेटा है, तो ए के घर में जाके बोल दीजिएगा तो आप सब उसी में इंक्लूड हो जाते हैं, तो ए के नाम से आप सबको जाना जाता है. तो सबसे पहले जो हमने दयाराम साहनी जी ने जिसे डिस्कवर किया था 1921 में वो था हरप्पा. हरप्पा एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में. हरप्पन सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि ये वहाँ की एक साइट है विच वॉज डिस्कवर फर्स्ट इनिशियली, इसे ही डिस्कवर किया गया था 1921 में, और इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है हरप्पन सिविलाइजेशन.
जो कि अभी करंट डे पाकिस्तान में है. ओके, इसके बाद देखिए टाइम ड्यूरेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. टाइम ड्यूरेशन कैसे पता चलेगा कितने साल पुरानी है, क्या है, तो उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे कहा जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक, जिसके द्वारा हम वहाँ के टूल्स को, वहाँ की बसावट को देखकर ये बता सकते हैं कि ये कितने साल पहले एग्जिस्ट करती थी. तो हमने कार्बन डेटिंग टेक्निक से ये पता करा है कि ये 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के दौरान की फली फूली सभ्यता है. आप देख सकते हैं जैसे कि ये चल रही है एक्सकेवेशन. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन वर्किंग इन राखीगढ़ी इन हरियाणा फॉर लास्ट 32 ईयर्स मेड वन ऑफ इट बिगेस्ट डिस्कवरीज येट विद द एक्सकेवेशन ऑफ अ 5000 ईयर्स ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री. तो अब यहाँ आपने ASI के बारे में पढ़ लिया है, तो कुछ हम ASI से रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं. अब पहला क्वेश्चन ये है कि ASI स्टैचुटरी बॉडी है, पार्लियामेंट द्वारा बनी गई बॉडी है, कैसे बनी है. तो आप ये समझिए कि ASI का गठन मैंने जैसे बताया डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था 1861 में. ये ब्रिटिश कालीन है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता कि पार्लियामेंट द्वारा, तब तो बना ही नहीं था, तो ये ब्रिटिश कालीन है. लेकिन एक बात आप याद रखिए कि इसको जो पावर्स मिलती हैं, जो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये काम करता है, वो एक एक्ट से लेता है अपनी पावर, और उसका नाम है ASRA एक्ट 1958. इसकी फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, मैं लिख देती हूँ आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958. तो ASI अपनी पास कहाँ से लेता है? आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 से. ठीक है, मूविंग ऑन. अब देखिए, आप ये समझिए कि बस थ्योरेटिकल पढ़ना नहीं है आपको. आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो आप थोड़े मैप को जज्ब कर लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैप रिलेटेड भी बहुत आते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मोहनजोदड़ो अपने पाकिस्तान में लोकेटेड है. आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, आपके यहाँ पे दे देगा. जैसे कि गुजरात में ढोलावीरा है, लोथल है, आप देख सकते हैं. हरियाणा में राखीगिरी है, राजस्थान में कालीबंगन है. तो आपको बोल देगा मैच द कॉलम्स या मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड साइट्स. स्टेट एंड साइट्स को आपको मैच करना है. तो आपको ये तभी पता होगा ना जब कोई मैप की प्रॉपर आपको एक समझ होगी. राइट गाइज, तो आप इस चीज़ को ये देखिए. और एक क्वेश्चन आप आजकल इस टाइप का आता है कि मैप ओरिएंटेड कर देते हैं वो लोग. फॉर एग्जांपल, जैसे बताती हूँ, कालीबंगन है, लोथल है. कालीबंगन इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ लोथल. एक होता है गलत और एक होता है सरासर गलत. तो ये तो सरासर ही गलत है, आप समझिए, क्योंकि कालीबंगन तो नॉर्थ में है और ये साउथ में है. तो इट इज नॉट लोकेटेड इन द साउथ ऑफ लोथल. तो ये सरासर गलत है. तो आप कैसे बोल पाएंगे जब आपको मैप की एक प्रॉपर समझ होगी. तो आप ध्यान से देखिए कि हाँ, ये यहाँ पर लोकेटेड है गुजरात के पास, ये हरियाणा की तरफ लोकेटेड है राखीगढ़ी, और राजस्थान की तरफ. तो आप सरासर गलत ना करें, आप सही आंसर पर टिक मार कराएं. हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम मैप के थ्रू आपको बता रहे हैं, तो आप ये चीज़ों को अपने माइंड में कैच कर पाएंगे. ज़्यादा कैची रहता है अगर आप मैप के थ्रू कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो. अब ये देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि इन्होंने फैक्ट्री को डिस्कवर की. तो गाइज, इनको पता कैसे चला होगा सर कि फैक्ट्री ही है? तो यहाँ पे कुछ फर्निश चीज़ें थी और कुछ अनफर्निश चीज़ें थी, जिसके थ्रू इन्होंने जब ये कार्बन डेटिंग कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें बन चुकी हैं और कुछ चीज़ें बनने की प्रोसीजर में थी. तो उन्होंने गैस करा, हाँ तो कहीं बन रही है और गोल्ड के आइटम्स मिल रहे हैं, कॉपर के आइटम्स मिल रहे हैं, ज्वेलरीज मिल रही है, तो मे बी दिस इज अ फैक्ट्री. एक उनको एविडेंस मिला. ओके, अब ये देखिए, सिनौली उत्तर प्रदेश में इन्होंने जब एक्सकेवेशन किया तो उनको मिली फीमेल स्केलेटन. दो फीमेल स्केलेटन मिली और वो स्केलेटन्स ने ज्वेलरी पहनी हुई थी. शौक बड़ी चीज़ है, तब भी शौक थी लोगों की.
तो आप देख सकते हैं शौक क्या नहीं करवाता है लोगों से कि जो कॉर्प्स है कॉर्प्स ही ज्वेलरी पहन के हैं। तो आप समझ सकते हैं सिविलाइज तो थे यार, लेकिन मॉडर्न भी काफ़ी थे, वो हमसे ज़्यादा मॉडर्न थे। आजकल हम कहीं जाते हैं तो सब पार्टीज वगैरह में ज्वेलरी पहनते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ जा रहे हैं वो लोग, कब्र के अंदर भी जा रहे तो रेडी होके जा रहे हैं, मिस नहीं करना है कोई भी ओकेजन। तो आप समझ सकते हैं कि देवर कल्चर्ड, देवर सिविलाइज, देवर मॉडर्नाइज टू। ओके गाइज, तो आप ये देखिए, और उसके बाद वो फुल प्रिपरेशन करते थे क्योंकि दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। ये बिलीव करते थे कि हाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। कई मिसकंसेप्शंस भी हैं इसमें कि मे बी का कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे कि ये क्यों रखते थे क्या है, बट ये आप साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि हाँ इस सभ्यता के जो लोग थे ये बिलीव करते थे कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसीलिए जितने ज़रूरत के सामान रहते थे उस कॉर्प्स के साथ ये वहाँ पर रख देते थे कि शायद इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें आगे चलकर। जैसे आप देख सकते हैं उसकी सारी आइटम्स जो उसके करीब हो और जो उसकी नेसेसिटी की हो वो सब यहाँ पे मिल जाती हैं, देख सकते हैं आप, एज इट इज वेल शोन इन द फिगर। एएसआई ने बहुत सारी डिस्कवरी की है लास्ट टू मंथ में इन राखी गढ़ी, जो ये बता रहा है कि वो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग चल रही है टुवर्ड्स डेवलपमेंट। अब ये हैं हमारे संजय मंजू साहब जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है एएसआई के। इन्होंने बताया कि ये राखी गढ़ी सिनौली और हस्तिनापुर में 20 सालों से काम कर रहे हैं और इनको ये समझ आया है कि राखी गढ़ी जो है ये यहाँ के लोग एंसेस्टर्स हैं ऑफ हस्तिनापुर। ये तीनों को जब इन्होंने एक्सकवेट किया तो इनको ये पता चला, सिनौली, हस्तिनापुर एंड राखी गढ़ी में इनको ये पता चली इन्फॉर्मेशन कि राखी गढ़ी के जो पीपल हैं द पीपल ऑफ राखी गढ़ी वेयर द एंसेस्टर्स ऑफ हस्तिनापुर। इसका मतलब ये कि हाँ ये इनके पूर्वज थे, राखी गढ़ी वाले पूर्वज थे। आप ये बताइए कि आप ये कैसे जान पाए कि ये पूर्वज हैं और ये पूर्वज नहीं हैं, ये बाद में आए। तो फ्रेंड्स ये है कि बसावट, वहाँ की जो बसावट है, जब आप उसकी बसावट को एक्सकवेट करते हैं कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से, आप उसकी बसावट को जानते हैं, उसके टूल्स टेक्नोलॉजीज़ को देखते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि ये ज़्यादा प्रोग्रेस्ड है, ये एंशियंट है। तो जो ज़्यादा प्रोग्रेस्ड हो चुकी है उसने पहले शुरू किया होगा ना अपना काम, इट वुड बी एंशियंट। उस बेसिस पे ये लोग अपना डिसाइड करते हैं कि कौन सी ज़्यादा एंशियंट है और कौन एंशियंट नहीं है। ओके, अब ये देख सकते हैं ये चार्ट, आजकल के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली वन लाइनर भी आते हैं जो चार्ट रिलेटेड रहते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी साइट में कौन सी चीज़ें हमको मिली है और जो एक उसकी फीचर्स है। ओके, जैसे कि आप हरप्पा पे देख सकते हैं ये द फर्स्ट साइट है टू बी डिस्कवर्ड। उसके बाद आप देख लीजिए मोहनजोदारो, इसमें बताया जाता है कि इट इज़ अ माउंट ऑफ डेड जो कि इस्टेब्लिश हुआ है रिवर इंदस के बगल में, ग्रेट बात यहाँ पे मिली है। और इसको आपको मैं इस चीज़ का PDF अपलोड कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल में भी, और आपको अचीवर्स ICS में इसका PDF मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लोथल में क्या है, यहाँ पे हमें मिला राइस हस्क, आर्टिफिशियल डॉक, बीन मेकिंग फैक्ट्रीज। कालीबंगन में हमको मिलता है इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जैसे ब्रिक के प्लेटफॉर्म है। धोलावीरा में हमें मिलता है डॉक 3 सिटाडेल्स, ये लार्जेस्ट IVC साइट्स है, हॉर्स रिमेन्स। अछूनादारों में मिलता है ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। तो आई होप यू गाइस यू लाइक्ड वॉट एवर वी डिस्कस टूडे, और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपसे कि यूनियन बजट 2021 में ये कहा गया है कि राखी गढ़ी को वन ऑफ दी 5 आइकॉनिक साइट्स में बनाया जाएगा। तो अगर सरकार का ध्यान है तो हमारा ध्यान बिल्कुल रहना चाहिए इस टॉपिक पे। तो इसी के साथ मैं अलुज़मा आप सबसे विदा लेती हूँ। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर मोर वीडियोस अचीवर्स ICS की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और बाकी वीडियोस को भी देखिए, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।